हेलो फ्रेंड, एक नया वीडियो आज भी डाल रहा हूँ। जितना पार्सल था सब कल ही डिस्पैच होगा, क्योंकि आज छुट्टी था उसी लिए जा नहीं पाया। ठीक है, कल सब डिस्पैच करके रिसीप भी सबको भेज दूँगा। ठीक है, और आज का कलेक्शन दिखा रहा हूँ एक एक करके। चलिए फर्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, एक 10 रुपीज़ बायोमेटेलिक कॉइन है, क्वायर बोट, नोएडा मीन से है और भी स्क्वायर सिक्का है। ठीक है, ये आपका प्राइस होने जा रहा है 150 रुपीज़, 150 रुपये में आपको मिलने जा रहा है। 4 पीस अवेलेबल है, 10 रुपीज़, BUNC कंडीशन का क्वायर बोट नोएडा मीन, ये भी स्क्वायर सिक्का है। ठीक है, बुक में भी स्क्वायर है, काफ़ी अच्छा प्राइस है बुक में, तो ये आपको 150 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। 4 पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। तो नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ FSS मेटल में इंडिया पोस्ट, ये भी एक सिंगल मीन कॉइन है और ज़्यादा डिमांडिंग सिक्का धीरे धीरे और भी हो जाएगा। एक तो आपका वेरी स्क्वायर में है और डिमांडिंग है, और भी फ्यूचर के लिए और भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और भी ज़्यादा डिमांडिंग में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका है 2004 कलकत्ता मीन इंडिया पोस्ट, 1 रुपीज़ FSS मेटल में। ठीक है, 350 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है, 350 रुपया पर पीस। 5 पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकते हैं। पूरा BUNC कंडीशन का है, पूरा पैकेट का ही माल है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, एक 5 पैसा है, 1957 बॉम्बे मीन, BUNC कंडीशन का है पूरा, देख लीजिए। ठीक है, बॉम्बे मीन से है 5 पैसा, ये भी स्क्वायर सिक्का है। ठीक है, ये आपका प्राइस होने जा रहा है 120 रुपीज़, 120 रुपया पर पीस। ये मेरे पास 5 पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। ये भी स्क्वायर सिक्का है और कॉपर निकल का है, 5 पैसा कॉपर निकल, 1957 बॉम्बे मीन। तो नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, इंदिरा गांधी हैदराबाद मीन, 50 पैसा में कॉपर निकल का, ये भी काफ़ी अच्छा कंडीशन का है, BUNC कंडीशन का है। ये भी 5 पीस का लॉट अवेलेबल है, प्राइस होने जा रहा है 160 रुपीज़, 160 रुपया पर पीस। ये भी 5 पीस अवेलेबल है, ये भी स्क्वायर सिक्का है, ये भी आने वाला टाइम में सब प्राइस सब में बढ़ेगा। ठीक है, और ख़ास तरह से कॉपर का है और BUNC का है, ये सब का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो नेक्स्ट कॉइन दिखा रहा हूँ, ये कॉपर निकल का, ये भी है इंदिरा गांधी, ये भी हैदराबाद मीन है, ये 5 रुपीज़ है कॉपर निकल का है, ये आपका प्राइस होने जा रहा है 300 रुपीज़, 300 रुपया पर पीस। BUNC कंडीशन का है, ओनली 5 पीस ही और भी अवेलेबल हो पाया है फिर से, तो जिसका चाहिए मैसेज कर सकता है, सेम प्राइस में आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, BUNC कंडीशन का है, 5 रुपीज़, इंदिरा गांधी हैदराबाद मीन, कॉपर निकल का है। तो नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, ये भी एक कॉपर निकल का है, रेनफिट फार मीन, 1 रुपीज़, BUNC कंडीशन का है, ये है बॉम्बे मीन से। ठीक है, ये बॉम्बे मीन से है, इधर में आपको मीन मार्क नज़र आ रहा है। ठीक है, बॉम्बे मीन, ठीक है, देख लीजिए, 1 रुपीज़ कॉपर निकल का है, BUNC कंडीशन का है, 4 पीस अवेलेबल है, 300 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है, 300 रुपया पर पीस। ठीक है, 4 पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। तो नेक्स्ट कॉइन दिखा रहा हूँ आपको, 50 पैसा FSS मेटल में डांडी मार्च, एक कलकत्ता मीन का कॉइन है, एकदम BUNC कंडीशन का ये भी है। ठीक है, ये आपको मिलने जा रहा है 450 रुपीज़। ठीक है, 450 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है FSS मेटल में डांडी मार्च कलकत्ता मीन, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग सिक्का है, 3 पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। तो नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैदराबाद मीन, 2001 स्टार मीन मार्क और अल्ट्रा BUNC कंडीशन का है। ठीक है, अल्ट्रा BUNC कंडीशन का है और भी सिंगल पीस ही है, प्राइस होने जा रहा है 850 रुपीज़, 850 रुपया, एक ही पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। ठीक है, एकदम BUNC कंडीशन का है और भी अल्ट्रा BUNC का है, सिंगल पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, एक निकल ब्रास का है, 5 रुपीज़, BUNC कंडीशन का है, भेल बॉम्बे मीन, ये भी एक रेयर सिक्का है, ये भी सिंगल पीस है, प्राइस होने जा रहा है 1200 रुपया। ठीक है, 1200 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है 1200 रुपया, भेल काफ़ी अच्छा डिमांडिंग सिक्का है। ठीक है, ये भी सिंगल पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, नेशनल इंटीग्रेशन 2004 कलकत्ता मीन, ठीक है, 2 रुपीज़ कॉपर निकल का है ये कॉइन, कंडीशन है AUNC, ठीक है, AUNC कंडीशन का है, प्राइस होने जा रहा है आपको 1300 रुपया में मिलने जा रहा है। ठीक है, 1300 रुपीज़ में, 1300 रुपया में आपको मिलने जा रहा है, ये भी सिंगल पीस है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, एक 1986 हैदराबाद मीन, ये भी AUNC कंडीशन का है। ठीक है, ये आपको मिलने जा रहा है 1300 रुपया में, ये भी सेम प्राइस है, 1300 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, 1300 रुपया में आपको मिलने जा रहा है, ये भी एक रेयर कॉइन है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग कॉइन है, 1986 हैदराबाद मीन। ठीक है,
ये भी सिंगल पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। तो नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, एक सुभाष चंद्र बोस 1997 हैदराबाद मीन जेम यूएनसी कंडीशन का है, एकदम बढ़िया कंडीशन का है, ठीक है। ये आपको मिलने जा रहा है 1400 रुपया में, 1400 रुपीज़ में, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। 1400 रुपया में आपको मिलने जा रहा है 1997 हैदराबाद मीन, एकदम जेम यूएनसी कंडीशन में, ठीक है। एक ही पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, एग्रीकल्चर बॉम्बे मीन से 5 रुपीज़ कॉपर निकल का कॉइन है, एकदम बीयूएनसी कंडीशन का है, ठीक है। देख लीजिए, बीयूएनसी कंडीशन का है एग्रीकल्चर बॉम्बे मीन। इसका प्राइस होने जा रहा है 1300 रुपीज़ में, 1300 रुपया में आपको मिलने जा रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा डिमांडिंग सिक्का है, ठीक है। इसका जितना सिक्का है, जैसे कि हैदराबाद बोलिए, नोएडा बोलिए, बॉम्बे बोलिए, सब में अच्छा डिमांडिंग आ गया है, अच्छा प्राइस भी है, ख़ासतौर से बीयूएनसी में, ठीक है। और फ्यूचर के लिए बीयूएनसी रखिएगा, फ्यूचर में बेचने में भी आसान होगा और प्राइस भी आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, एक खादी एंड विलेज FSS मेटल में 5 रुपीज़, एकदम ये भी बीयूएनसी कंडीशन का है, 5 रुपीज़ खादी एंड विलेज FSS मेटल में। प्राइस होने जा रहा है 1500 रुपया, ठीक है, 1500 रुपीज़ में। ये भी सिंगल पीस है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, एक तिलक की कॉपर निकल का है, ए बी बी यू एन सी कंडीशन का है, देख लीजिए, एकदम बढ़िया कंडीशन का है, अल्ट्रा बी यू एन सी है, एकदम अल्ट्रा बी यू एन सी, ठीक है। तिलक की ए बी बॉम्बे मीन से है, 5 रुपीज़ कॉपर निकल का। प्राइस होने जा रहा है 1600 रुपीज़ में, 1600 रुपया में आपको मिलने जा रहा है। सिंगल पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकते हैं। ये भी एक रेयर कॉइन है, 50 पैसा, 1983 कलकत्ता मीन, जेम यू एन सी कंडीशन का है, ठीक है। कलकत्ता मीन का है, 1983 50 पैसा कॉपर निकल का, ठीक है। कंडीशन देख लीजिए, अशक लाइन भी एकदम बढ़िया अशक लाइन है, ठीक है। 1600 रुपया में आपको मिलने जा रहा है, 1600 रुपीज़ में, जेम यू एन सी कंडीशन का है। ये भी सिंगल पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, तामिल कॉन्फ्रेंस सन त्रिवल्लुवर 1995 नोएडा मीन, ये भी जेम यू एन सी कंडीशन का है। ये भी सिंगल पीस अवेलेबल है नोएडा मीन से, नोएडा मीन काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग सिक्का है तमिल में, ठीक है। देख लीजिए, बढ़िया कंडीशन का है, जेम यू एन सी कंडीशन का है। इसमें बहुत ही ज़्यादा देखिएगा, तमिल में नोएडा वाला देखिएगा, सब में अशक लाइन का मुँह घिसा हुआ है सब में, ठीक है। मेरे हाथ में आज तक जितना भी सिक्का आया है, सब घिसा हुआ नज़र आया है, ठीक है। ये आपको जेम यू एन सी कंडीशन में प्राइस होने जा रहा है 3500 रुपीज़ में, 3500 रुपया में आपको मिलने जा रहा है। ये भी सिंगल पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो ठीक है, आज का कॉइन मैं बहुत ही कम लगाया हूँ, क्योंकि माल मेरे पास अभी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो गया है, बहुत ही क्वांटिटी में आदमी ले लिया है, तो उसके लिए माल भी फिर आ रहा है, फिर बीच में छुट्टी गिर गया है, तो उसके लिए माल भी नहीं आया है। शायद कल हमारे पास बहुत सारा कलेक्शन आ जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत भी कलेक्शन डाल दूँगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।